बागेश्वर शहर के एसबीआई तिराहे के समीप विमल भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वेद व्यास आचार्य विवेकानंद जोशी ने पांडाल में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कथा श्रवण से आध्यात्मिक शक्ति का तथा संस्कारों का विकास होता है। उन्होंने युवाओं से नशे की प्रवृत्ति से बचने की अपील की। कहा कि युवा अपनी शक्ति को सदकारी तथा रचनात्मक कार्यों में लगाएं। कथा के आयोजक मीता शाह और राजेश लाल शाह ने बताया कि आगामी 5 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा का भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने की अपील की है। ये बागेश्वर में वैसे तो बहुसंख्यक कार्यक्रम होते रहते हैं श्रीमद् भागवत, और यहाँ पर भी ये आदरणीय श्रीमती मीता शाह जी एवं ये राजेश लाल शाह जी के इधर इनके निवास स्थान में ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो भागवत कथा तो वैसे एक तरीके से हम लोग सोचते हैं इससे धार्मिक कार्य तो होता ही है, आध्यात्मिक तो है ही, और पर इसका एक महत्वपूर्ण एक योगदान ये होता है हमारे समाज में, जिससे हमारा समाज जो है आज हमारी जो संस्कृति है उसको भूलता जा रहा है। तो इससे हमारे संस्कार जो बच्चों में संस्कार बढ़ते हैं ये कथाओं से बढ़ते हैं, कथाओं के प्रसंग से उनमें अध्यात्म की वृद्धि होती है। तो उसी से जो है भागवत का ये आयोजन एकमात्र इसका यही कारण नहीं है। बहुत लोग तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी आजकल, क्योंकि आजकल सब नाच गाना अधिक होता है कथाओं में, तो उससे जो है तो फ्लो चाहिए होता, वो तो चलो ठीक है, पर इसका एक जो आयोजन का जो एक कारण होता है वो यही इसका कारण है कि भाई हमारा जो समाज है उसमें जो है अध्यात्म भी आए, क्योंकि हम लोग कथा में केवल एक भगवान की भक्ति का विषय तो होता ही है, उसके साथ में हम नशा मुक्ति के लिए भी जो है लोगों को प्रेरित करते हैं। जो आजकल के युवा जो मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो अग्रसर हो रही है उससे हम उनको बोलते हैं कि भाई इससे दूर हटो, हमारी जो एक संस्कृति है अध्यात्म में उसको जो है अपने जीवन में उतारो, क्योंकि उससे भागवत जैसे मैंने कल के प्रसंग में सुनाया भी था, भागवत हमें मरना सिखाती है। तो वो कल के प्रसंग में था, तो मरना सिखाने का मतलब यही नहीं है कि भाई हमने जो है मर्त्व हर कोई जाता है, पर मरना ये है कि हम जो मर रहे हैं कि हमारे जो संसार में आने का उद्देश्य था क्या था, कि हमने भाई मकान बना लिया गाड़ी बना ली, यही उद्देश्य नहीं है। हमारे जो जीवन का हेतु है वो क्या है वो यही भागवत बताती है। तो और भागवत का एक मुख्य एक आयोजन जो अभी इन संयोजकों का भी बना है कि ये प्रेत जो एक बोलते हैं कि भाई पितृ पैतृक दोष हमारी कुंडलियों में आ जाता है कभी, जो भाई हमारे पूर्वजों द्वारा या फिर हमारे द्वारा कभी पूर्वजों का अपमान हो जाता है या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, अल्पकालिक मृत्यु हो जाती है, तो उस समय में अगर हम उसके बाद में ये भागवत की कथा को सुनते हैं तो भागवत जी में कहा गया है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये जो है प्रेत मुक्ति भी इस भागवत से होती है। तो भागवत एकमात्र से एक प्रकार से सत्संग भी है, तो हम सत्संग करते हैं तो अच्छे विचारों का इसमें आगमन होता है। तो वैसे मुख्य आयोजन का कारण तो इसका यही है। तो वैसे जो भागवत है वो उसके विषय में अगर मैं बताना चाहूँ तो 18 पुराणों में से एक है भागवत, इसमें 18,000 श्लोक हैं, और वैसे तो मूलतः जो हमारे भारतीय वाङ्मय है इसमें जो संस्कृत वाङ्मय है इसमें 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, तो उनमें से एक विशिष्ट उपाधि जो है श्रीमद् भागवत को मिलती है, और इसको जो है पुराण सम्राट प्रभो, पुराणों में इसको पुराणों का राजा कहा गया है। तो बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और उसके बाद में कृष्ण भगवान की मुख्य लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और पुराण की एक योग्यता होती है, पुराण मतलब उद्घोषणा करता है कि भाई जिसके बारे में बताना चाह रहा है उसमें वो परब्रह्म की प्रतिपादकता करता है कि भाई यही भगवान है, इसी से पूरे संसार का सृजन होता है, यही पालन करता है और यही विनाश करता है। तो इसमें मूलतः कृष्ण को ही जो है सृष्टि का सर्जक भी माना गया है, पालनकर्ता भी माना गया है और संहारकर्ता भी माना गया है। तो यही भागवत है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।